देखिए तेजस्वी यादव बौखलाए हुए हैं, अब एग्जिट पोल को देखकर समझ बैठे थे कि हम सत्ता में आने वाले हैं। गाछे कटहल ओठे तेल, शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गए थे शेरवानी सिलवा करके। तेजस्वी अपने गिरेबान में झांके, राष्ट्रीय जनता दल के जो अपराध और भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो हंसी आती है। तो वही बात हो गई कि कोई शराबी मद निषेध पर प्रवचन दे। हमें तेजस्वी से और राष्ट्रीय जनता दल लोगों से प्रमाण पत्र नहीं लेना है, प्रमाण पत्र जनता देती है। अगर तेजस्वी को इतना लगता है कि अपराध करके अपराधी घूम रहे हैं तो एक अपराध करके दिखाएं, जेल के सलाखों के अंदर डालते हैं कि नहीं। ये सरकार किसी को बकसने वाला ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ शिवम। जहां एक तरफ देश यह तैयारी कर रहा है कि जल्द से जल्द जो कोरोना वैक्सीन है वो आ जाए, ऐसे में जो विपक्ष है वो कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहा है। और साफ तौर पे कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत सरवैया ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो कोरोना वैक्सीन आया है उसका पहला टीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता संजय टाइगर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत सरवैया ने कहा है कि जो कोरोना का का आया है उसे पहले प्रधानमंत्री खुद ले। देखिए, विपक्ष बीजेपी और नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते इतने ओछी हरकत पर उतर आया है कि अब वैक्सीन का विरोध करने लगा। वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम से हम इसमें सफल हुए हैं तो वैज्ञानिकों का साधुवाद करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। तो आप वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं इस तरह की बात करके। लोकतंत्र में विरोध का मतलब ये नहीं होता कि हर बात का विरोध करे। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कई उपलब्धियां देश के नाम हैं, क्या उन सब से आप नाता तोड़ लेंगे? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। अब विपक्ष को लगता है कुछ तबकों ने आवाज़ उठाई थी वैक्सीन को लेकर के, उसको अगर संतुष्ट करने की विपक्ष की मंशा है, तुष्टिकरण की मंशा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों में गलतफहमी भ्रम पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। यह महामारी जो वैश्विक महामारी है उसके लिए दुनिया भर के देश वैक्सीन बनाने में जुटे थे, हमें सफलता मिली दो दो वैक्सीन। तो ये सुखद क्षण है, देश के लिए गौरव का विषय है, वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करना चाहिए। नरेंद्र मोदी का विरोध करिए, लेकिन मोदी का विरोध करते करते वैक्सीन का विरोध करने लगे तो मुझे तो कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहूँगा कि ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज फिर बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर घेरा है और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अपराधियों के जो द्वारा आमजनों को कीड़ा मकौड़ों की तरह मसला जा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव बौखलाए हुए हैं, अब एग्जिट पोल को देखकर समझ बैठे थे कि हम सत्ता में आने वाले हैं। गाछे कटहल ओठे तेल, शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गए थे शेरवानी सिलवा करके, और जनता ने जनादेश एनडीए को दिया है तो इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए, तो अब उनके सेहत के लिए ठीक होगा। तेजस्वी किस मुँह से अपराध की बात कर रहे हैं? लोग भूले हैं क्या उनके माता पिता के शासनकाल को? अदालत ने जंगल राज से के उपाधि से नवाजा था, क्या परिस्थितियाँ थी? सामूहिक नरसंहार होते थे, अपहरण उद्योग चलता था, लोग हनुमान चालीसा लेकर चलते थे, अपराधियों को सत्ता द्वारा संरक्षण दिया जाता था, उनके अधिकांश विधायक मंत्री अपराध में संलिप्त थे, और वो लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। एनडीए शासन ने बार बार दोहराया है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है, फिर भी हम मानते हैं कि लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको सजा होती है। अपराधी या तो सलाखों के अंदर हैं या सजा भुगत रहे हैं। पताल में भी अपराधी रहेगा, एनडीए के शासनकाल में बच नहीं सकता। ये सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। आदर्श स्थिति तो ये है कि एक भी अपराध ना हो, लेकिन दुनिया का कोई भी शासन व्यवस्था ऐसा नहीं है जो दावा करे कि हमारे शासन में कोई अपराध नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस का यह मतलब ही नहीं होता है कि हम दावा कर रहे हैं कि कोई अपराध नहीं होगा। हम ये दावा करते हैं कोई अपराधी अपराध करके बच नहीं पाएगा, और सख्ती से हम उससे निपट भी रहे हैं। तेजस्वी अपने गिरेबान में झांके, राष्ट्रीय जनता दल के जो अपराध और भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो हंसी आती है। तो वही बात हो गई कि कोई शराबी मद निषेध पर प्रवचन दे। हमें तेजस्वी से और राष्ट्रीय जनता दल लोगों से प्रमाण पत्र नहीं लेना है, प्रमाण पत्र जनता देती है। और जनता ने लगातार एनडीए में विश्वास व्यक्त करके ये साबित किया है कि शासन में, इस हुकूमत में उनका विश्वास है, और वो मानते हैं कि यहीं विकास देगी और यहीं लोग अपराध पर भ्रष्टाचार पर काबू
कर पाएंगे, लगाम लगा पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार जो है अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। ये मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि यह सरकार अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है, कानून का शासन है यहाँ पर। अगर तेजस्वी को इतना लगता है कि अपराध करके अपराधी घूम रहे हैं, तो एक अपराध करके दिखाएं, जेल के सलाखों के अंदर डालते हैं कि नहीं। यह सरकार किसी को बकसने वाला ही नहीं है, कोई अपराध करके बिहार में बच नहीं सकता है। और यही कारण है कि जो बिहार की छवि थी देश के अंदर, उसमें बदलाव हुआ है, सकारात्मक छवि बनी है। आज आपराधिक जो वारदात अगर होते भी हैं तो संगठित अपराध जो होता था वो नहीं होता है। आपसी द्वंद्व में, आपसी झगड़े में कई अपराध होते हैं, वह भी रुके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने पुलिस के आला अधिकारियों को हाल में बुलाया था और सबको कहा था कि सख्ती से निपटा जाए। तो हमारे शासनकाल का रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने अपराधियों को हमने जेल की सलाखों के अंदर डाला, उन पर स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको सजा दिलवाई। अब उनके शासनकाल में तो FIR ही दर्ज नहीं होता था, वो आंकड़े लेके घूम रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ BJP के प्रदेश के प्रवक्ता संजय टाइगर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जो भी अपराधी हैं वो नहीं बचेंगे, वो कहीं अगर पड़ताल में भी रहें तो उन्हें जो सज़ा है वो मिलेगी। तब अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में अब BJP ने भी उन्हें खुला चैलेंज दे दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि अगर तेजस्वी को इतना ही लग रहा है कि बिहार में अपराध हो रहे हैं तो अपराध करके देखें, अगर वो बच जाते हैं तो कहने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।